Good morning, students. We are going to continue the second part of our question answer lectures. Okay? इससे पहले मैं बता दूं कि जो पहले वाला जो MCQ का जो फोटो था वह शार्प नहीं गया था, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको उसको भेज दूंगी और सेकेंड पार्ट भी जो है उसको भी मैं भेज दूंगी, तो आप कॉपी में अपना अच्छे से लिख लें, ठीक है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर सी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, सी का फर्स्ट नंबर आपका. इंडिया इज सराउंडेड बाय सी एंड ओशियंस ऑन ऑल साइड्स. यहाँ बता रहा है कि इंडिया जो है चारों तरफ से सी और ओशियन से घिरा हुआ है. यह ट्रू है कि फॉल्स है? तो यहाँ पर क्या होगा आपका? फॉल्स. क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि इंडिया जो है थ्री साइड से घिरा हुआ है. मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है थ्री साइड से घिरा हुआ है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे ऑल साइड के जगह पर अगर थ्री साइड रहता तो ट्रू रहता, लेकिन ऑल साइड दिया है इसलिए आपका फॉल्स होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं. इंडिया इज इन एशिया. इंडिया जो है एशिया में है. मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है. ओके, तो यहाँ पर आप टी लिख देंगे, ट्रू. क्लियर. क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए. इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. भारत जो है अनेकता में भी एकता का देश है, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या आपका होगा? ट्रू होगा. क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, इंडिया कैन डिवाइड इट इनटू सेवन नेचुरल रीजंस. तो मैंने आपको मैप के द्वारा बताया था कि इसको जो है फाइव पार्ट में डिवीजन किया गया है, ठीक है? तो यहाँ चूंकि सेवन दे रहा है तो यानी फॉल्स होगा आपका. ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव. इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान आइलैंड इन द सर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री. मैंने बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो आपका है वो अंडमान आइलैंड में सर्दर्न मोस्ट टिप में पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ट्रू. ठीक है, क्लियर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर डी. मैच दी फ्लोइंग. मैच करना है एक दूसरे से. आप ध्यान से देखेंगे, फ्लैट एरिया. फ्लैट एरिया जो है हम लोग प्लेन यानी समतल मैदान को कहते हैं, ठीक है? तो आप जो है फ्लैट एरिया को प्लेन में मैच करेंगे, ठीक है? सामने सामने भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है, रेस्ट ग्राउंड. ठीक है, तो यह जो होता है आपका प्लाटू होता है. गुड, प्लाटू में आप लिख लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, मास ऑफ सॉल्टी वाटर. यानी जो नमकीन आपका पानी जो होता है वह कहाँ होता है? ओशियन में होता है, ठीक है? सी एंड ओशियन. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, ड्राई सैंडी एरिया. यानी सबसे सूखा सैंडी एरिया आप जान रहे हैं, जिसको हम लोग रेगिस्तान कहते हैं, डिजर्ट कहते हैं. तो इसको जो है हम क्या करेंगे? डिजर्ट में मिला. ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया का कैपिटल सिटी कहाँ है? तो आप जान रहे हैं दिल्ली. आप इसको दिल्ली में मिला. क्लियर. आप मैच द फ्लोइंग को आमने सामने भी लिख सकते हैं, चेक करने में भी आसान रहता है, ठीक है? तो इस बात को याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर सी आपका कह रहा है, फिल इन द मिसिंग वर्ड. यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं और उसका लेटर है वह मिसिंग है, ठीक है? तो उसको जो है आपको भरना है. कह रहा है यू यूनिक. यहाँ पे यूनिक दिया है तो यहाँ पर जो है आपका आई होगा यूनिक में, ठीक है? सेकेंड नंबर आपका सिविलाइजेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर होगा आई और भी के बाद भी आई होगा. क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रॉपिकल दिया हुआ है तो टी आर के बाद क्या होता है? वो डब्लू ओ होता है, सॉरी ओ होता है. तो यह क्या हो गया? ट्रॉपिकल हो गया. क्वेश्चन नंबर फोर में पेनिनसुला दिया हुआ है तो पी ई होगा आपका और एन आई होगा. पेनिनसुला हो गया. फाइव नंबर में आपका रेंज दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? ए होगा, आर ए एन जी ई, रेंज. और सिक्स नंबर में वर्ल्ड दिया हुआ है
तो डब्ल्यू ओ आर एल डी, ठीक है। तो यह आपका जो था एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब आंसर क्वेश्चन की बारी है, ठीक है। तो वह जो है मैं नेक्स्ट डे करवाऊंगी, तब तक के लिए आप इसको कॉपी में अच्छा से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। ओके बाय।